पुलिस केंद्र और कार्यालय का निरीक्षण था, वार्षिक निरीक्षण करना होता है, उसी क्रम में मैं यहाँ पर आया हूँ। पुलिस केंद्र में निरीक्षण हो चुका है, अभी पुलिस कार्यालय में जो पंजियाँ हैं और अन्य जो शाखाएँ हैं उनके शाखा प्रभारियों के साथ निरीक्षण किया गया है। पुलिस अधीक्षक उपस्थित हैं, सभी SDPO और सभी सर्किट इंस्पेक्टर भी यहाँ पर उपस्थित थे। उन लोगों के साथ भी एक छोटी सी बैठक की गई है आगामी रामनवमी को लेकर, कि जो संवेदनशीलता है रामनवमी की उसको ध्यान में रखते हुए कितना निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो जुलूस वगैरह अगर निकलते हैं तो कोई भी जुलूस बिना पोस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के ना हो। साथ ही कहाँ कहाँ जो संवेदनशील स्थल है वहाँ पर उन लोगों के द्वारा भ्रमण किया गया या नहीं, तो ये अगले 2 से 3 दिनों में वो लोग सभी क्षेत्रों जहाँ से जुलूस निकलेंगे या जो भी संवेदनशील स्थल रहे हैं रामनवमी को देखते हुए उसको वो लोग भौतिक रूप से भ्रमण कर लेंगे। तदुपरांत ये भी उनको निर्देश दिया गया है कि जो प्रिवेंटिव एक्शन है उसमें बाउंड डाउन कितने पे किया गया, तो इसके लिए भी कहा गया है कि जो भी निरोधात्मक कार्रवाई हो उस पर निश्चित रूप से बंद पत्र भरवा लिया जाए और ये सब काम अगले 1 सप्ताह के अंदर कर लेना है। साथ ही 22 तारीख से आगामी रमज़ान का महीना भी शुरू होना है, तो उसको भी लेकर कहा गया है कि जो पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे, हर जगह फोर्स रहे और किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सारी तैयारी रखेंगे।